इंसिडेंट ट्रिपल नाइन और रोनित ने जो है छोड़ दिया टीएसजी को एंड टीएसजी डिस्बैंड हो चुकी है। एंड जो इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी डाली है इंसिडेंट भाई ने एंड रोनित भाई ने, उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने जो टीएसजी को लीव कर दिया है। एंड इसी के साथ जो टीएसजी डिस्बैंड हो चुकी है, उसमें कुछ नए प्लेयर्स में भी देखने को मिले, क्योंकि कल रात को जो टूर्नामेंट हो रहा था रोकिन आरडीएक्स पे IMBR सिटी बोर्ड्स का, उसके अंदर टीएसजी की जो है अलग लाइन में देखने को मिली, जो कि थी टीएसजी लेजेंड अमित वालिया, टीएसजी जोड वन एंड टीएसजी जोड सेकंड। तो अमित वालिया की तो अपनी एक अलग टीम है, तो वो तो शायद से कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए अमित वालिया को लिया गया। बट अब जो है टीएसजी में जो है फिर से नए प्लेयर्स आएंगे, फिर से मतलब न्यू टीम के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, फिर से जो है गेम प्ले में चेंजमेंट आएगा, फिर से वही फॉर्म जो है मतलब डाउन भी आएगा अप भी होएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर से टीएसजी को अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए। एंड टीएसजी के साथ है बहुत वो हो रहा है यार, कि मतलब जब से इनकी जो मेन लाइनअप जो स्टार्टिंग वाली जो लाइनअप वो डिस्बैंड हुई, तब से जो इनकी जो जो टीम है वो जब भी बनती है तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही है, वो डिस्बैंड हो रही है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। सो ये टीएसजी के लिए अच्छे नहीं है, टीएसजी फैंस के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे। एंड अगर ऐसे ही टीम अगर डिसबैन होती रहेंगी, नए प्लेयर्स आते जाएंगे, एक पर जो अच्छी स्कोर जो है वो अगर नहीं बन पाएगी तो इनका परफॉर्मेंस नहीं रह पाएगा सही। वैसे टीएसजी काफ़ी अच्छी लाइनअप थी, अगर इसमें पुराने वाले टीएसजी के प्लेयर्स आ गए तो फिर से जो मतलब अग्रेसिव टीम थी और जो इनका परफॉर्मेंस था वही तो मतलब अनबिलीवेबल वाला हो जाएगा।